लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे कोलिजन की, क्या बोला बड़े पढ़ा था हमने, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, क्या पढ़ा था बड़े वन डायमेंशन क्या होते हैं बड़े, एक ही डायरेक्शन की बात करी है, इस कॉल वन डायमेंशन यानी लीनियर, एक ही डायरेक्शन की बात हो रही है बड़े, एक बॉल ये दूसरी बॉल ये, बताओ दोनों का मास सेम लिया था अलग लिया था, अलग लिया था बड़े, इसका मास m1 है, इसका मास क्या है m2 है, ये बॉडी इसे आगे हिट करती है, याली बॉडी इसे जब ही हिट कर सकती है जब पीछे वाले की वेलोसिटी क्या हो ज्यादा, आगे वाले की वेलोसिटी क्या हो कम हो, अदरवाइज ये दूसरे को हिट नहीं करने वाली बड़ा, ये बॉडी इसको आगे हिट करेगी, अब याली बॉडी जो है ये ज्यादा तेज जाएगी, ये बॉडी क्या है स्लो हो जाएगी, अगर ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है और टकराने के बाद में, क्या बोला टकराने के बाद में यानी आफ्टर द कोलिजन, अगर ये अपनी शेप को रिगेन कर ले, क्या कर रही है रिगेन, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स की मदद से करेंगे, तो ये इलास्टिक कोलिजन है अदरवाइज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बड़े एक बॉडी है, एक बॉडी है दूसरी बॉडी जाती है इससे टकराती है और टकराने के बाद मिल जाती है, क्या होती है मिल जाती है और उसके बाद में साथ में चलती है बड़े, इन इलास्टिक क्या होगा, क्योंकि इलास्टिक होता तो वापस नहीं आ जाता, इन इलास्टिक बोला है नाम में, यह इन इलास्टिक, इलास्टिसिटी है ही नहीं ना भैया, अगर होती तो वापस आ जाता, वापस नहीं आया, दिमाग से सोच के बताइएगा, मान लीजिए एक बॉडी रेस्ट पे, क्या है बड़े एक बॉडी मोशन में, ये आती है इसे हिट करती है और हिट होने के बाद दोनों मिल जाती हैं, क्या हो जाती है मिल जाती है, मिलने के बाद में साथ में चलती हैं, देन टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है या टकराने के बाद में, टकराने से पहले ज्यादा है बड़े, फील लीजिए एक बॉल रेस्ट में, ये बॉल आती है मान लो तीन की वेलोसिटी से आती है, चार की वेलोसिटी, पांच मान लो, कितनी मान लो पांच बड़े, इसका मास कुछ है, ये आएगी टकराएगी, टकराएंगे मिल जाए, मिलने के बाद तो स्लो ही जाएगा, क्या जाएगा स्लो, क्या बोला टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा और टकराने के बाद में काइनेटिक एनर्जी कम। इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें, इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, क्या बोला काइनेटिक एनर्जी कंजर्व बड़ा, क्या क्या कंजर्व होता है, मोमेंटम इज कंजर्व, तो आज क्लास में चर्चा करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन, क्या बोला बड़ा, इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, तो इसके अंदर वापस से तीन पॉइंट आने चाहिए बड़ा, पहला पॉइंट क्या है मोमेंटम इज, दूसरा पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, ये पता होनी चाहिए बड़ा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बेटा, इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, और इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कंजर्व होती है, ये मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था, हाँ ना बोल भैया, और अगर मैं इन इलास्टिक कोलिजन बोल रहा हूँ तो टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी क्या है ज्यादा और टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी क्या है कम, ये कुछ पॉइंट से पता होने चाहिए इन इलास्टिक को पढ़ने से पहले बेटा, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, लास्ट क्लास में क्या करता था इलास्टिक कोलिजन, क्या पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन बड़ा, V1 आया था V2 आया था, दो कैलकुलेशन निकाली थी, उनके फॉर्मूले भी आए थे, उन्हीं केस को आगे बढ़ते हैं, हाँ ना बोल भैया, ये था लास्ट क्लास में मास अलग थे सेम थे, अलग थे सेम नहीं हो सकते क्या बड़े, एक बॉल ये एक बॉल ये दोनों का मास सेम है, एग्जाम में मान लो आ सकता है कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पर बॉडी के मास क्या हो सेम हो, तो एक्सप्रेशन करो, दोबारा थोड़ा ना करोगे आप लोग, डिफरेंट मास के वाला ही करोगे, पर एंड में क्या क्या लिख दोगे, अगर मास सेम होते तो ये होता, क्या बोला अगर मास सेम होते तो ये होता, वो दिखा दोगे, हाँ ना बोल भैया, तो लास्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे जो फॉर्म में आए थे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, डालो बेटा नोट नंबर पहला बेटा, ऊपर देखें नोट नंबर पहला लिखना बाद में देखो, पहले ऊपर बेटे लास्ट क्लास के टॉपिक का नाम है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसके जो रिजल्ट आए हैं बेटे, एक आए वी वन, एक आए वी टू, तो वी वन लिख लेंगे यहाँ पे बेटा, वी टू लिखेंगे यहाँ पे, वी वन का फॉर्म आया बेटा टू बेटे एम टू यू टू प्लस में यू वन बेटा एम वन माइनस में एम टू डिवाइड में बेटा एम वन प्लस में एम टू, ये आपका वी वन का फॉर्म आया था लास्ट क्लास में, हाँ ना बोल भैया बेटा, जहाँ पे एम टू है वहाँ पे क्या होगा एम वन, जहाँ पे यू टू वहाँ क्या होगा यू वन, बताओ वी टू का फॉर्मूला क्या होगा बेटा टू एम वन यू वन प्लस में यू टू बेटा एम टू माइनस में एम वन डिवाइड में क्या आएगा बेटा एम वन प्लस में एम टू, ये हो गए वी वन और वी टू के फॉर्मूले, यहाँ पे मास डिफरेंट है इसलिए M1 और M2 की चर्चा हो रही है, पर मान लो बड़े एक बॉडी ये थी दूसरी बॉडी ये थी, इसका मास भी M है, इसका मास भी क्या है M है, यानी M1 जो है किसके इक्वल है M के बड़े M2 किसके इक्वल है M के, यानी दोनों आपस में क्या इक्वल ही है बड़े, यहाँ के सेट होता है इसकी वेलोसिटी कितनी है U1, इसकी वेलोसिटी कितनी है U2 बड़े, ये ड्यूरिंग द कोलिजन, उसके बाद आफ्टर द कोलिजन मास सेम ही रहेगा, मास क्या रहेगा सेम, ये मैं कह रहा हूँ, यह आता है एम वन किसके इक्वल है एम टू के, अगर है तो हाँ ना बोल भैया, उसे M लिख सकते हैं क्या बेटा, जहां भी M1 M2 दिख रहा है वहां सब में M लिख दो बेटा, V1 is equal to में 2 आएगा, बताओ यहां क्या आएगा M, बेटा ये क्या है U2 प्लस में क्या है बेटा U1 है, बताओ यहां पे क्या आएगा M और M, बेटा M माइनस में M, बताओ डिवाइड में कितना होएगा M प्लस M,
कितना हो गया? ये आता है ये फैक्टर जीरो, बेटा जीरो को इससे मल्टीप्लाई हो क्या आएगा? जीरो, तो ये पूरा हो गया जीरो। इसको इसके नीचे लिखेंगे, बोल बेटा कितना आएगा? टू एम यू टू डिवाइड में क्या आएगा? टू एम, इससे ये कैंसिल, बताओ कितना आया? यू टू आया, और ये क्या आया? वी वन, यानी वी वन किसके इक्वल होगा? यू टू के। यहाँ देखते हैं बेटा, यदि मास सेम है, एम वन किसके इक्वल है? एम टू के, यानी दोनों को एम लिख सकते हैं। बता बेटा क्या होगा? वी टू इज इक्वल टू में टू एम आ गया यहाँ पे, बेटा यू वन है प्लस में क्या है? यू टू है, एम माइनस में एम है, डिवाइड में कितना आएगा? टू एम लिख दिया, बेटा ये क्या हो गया? जीरो, ये पूरा जीरो, ये इसके नीचे आएगा, टू एम से टू एम, बोल कितना आया? यू वन, वी टू इज इक्वल टू यू वन। ये आंसर है, पर इसका मतलब क्या है बेटा? वेलोसिटी इंटरचेंज होगी, क्या होगी? इंटरचेंज मींस क्या है बेटा? ये यू टू है जो कि किस पे चलेगी? है वी वन पे। बेटा जो यू वन वाली हो किस पे चलेगी? है वी टू पे। डायग्राम की मदद से समझा दूंगा, आना बोल भैया, पहले से लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। मान लीजिए ये बॉडी है बेटा, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड, जो कि यू वन है। क्या है? यू वन। बेटा यू वन ये ले ली, हाँ ना बोल भैया। बेटा ये मान लो 3 मीटर पर सेकंड है, कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। जब ये जाके इससे टकराएगी, जो कि यू टू है बेटा, जाके इससे टकराएगी, तो यहाँ पे जो पहली वाली होगी जो कि वी वन होगी, क्या होगी? वी वन, और ये क्या होगी? वी टू। तो वी टू जो है कितनी हो जाएगी? 5। कितनी हो जाएगी? 5। बेटा ये कितनी हो जाएगी? 3। यानी अगर ये बॉडी ए है और ये बॉडी क्या है? बी है, तो यहाँ पे ये ए और ये क्या है? बी। ये ए और ये क्या है? बी। बताओ इनिशियली ए की वेलोसिटी कितनी है? 5। टकराने के बाद ए की कितनी है? 3। और टकराने से पहले किसकी थी? वो बी की, यानी जो बी की है वो ए की, और जो ए की है वो बी की। वेलोसिटी इंटरचेंज होगी, क्या होगी? ऐसा सिर्फ जब ही हो सकता है जब मासेस क्या हो? सेम हो, और वन डायमेंशन की बात हो रही हो। क्लियर? लपेट घसीट ठापटक हलवा चीज। बड़े टॉपिक है बड़े, इलास्टिक कोलिजन का रिजल्ट, क्या बोला? इलास्टिक कोलिजन का रिजल्ट को पकड़ के आगे खींच लिया आप लोगों ने बड़े। पीछे एक टॉपिक है इन इलास्टिक कोलिजन, क्या बोला? यानी वापस ये इन इलास्टिक कोलिजन में क्या है बड़े? एक बॉडी यहाँ पे होगी, इमेजिनेशन फील लो बड़े, एक बॉडी है रेस्ट में, किसमें? या के हिट करती है, हिट करने के दोनों मिल जाती हैं, उसके साथ में चल रही है, क्या चल रही है? साथ में। तो वहीं से पढ़ना है इन इलास्टिक कोलिजन। क्लियर है क्या? हेडिंग डालिए इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन बेटा, इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। बड़े सारे अच्छे ऊपर देखें बड़े, पेन वेन छोड़ दो, कुछ नहीं है पेन में बड़े। इन इलास्टिक कोलिजन बड़े इन वन डायमेंशन बड़े, एक बॉडी है, मान लीजिए इसका मास है m1, कितना है? m1। बड़े एक बॉडी है, इसका मास कितना है? m2। बड़े बॉडी रेस्ट पे, किस पे? रेस्ट पे। इसकी वेलोसिटी u2 जो है, जो कि जीरो है, कितनी है? जीरो। बड़े इसकी वेलोसिटी u1 है, अरे हाँ ना बोल भैया। बड़े ये आके इसे हिट करती है, हिट करने के बाद में बड़े इसका मास तो सेम ही रहेगा m1, इसका क्या रहेगा? m2। पर ये वापस से रिगेन नहीं हो रही, सेपरेशन नहीं हो रहा, साथ में मिल चुकी हैं बेटा। अब ये पूरा सिस्टम मिलके आगे जा रहे हैं, तो इनकी कुछ कॉमन वेलोसिटी होगी नहीं होगी? यानी जो इसकी वेलोसिटी होगी वही इसकी वेलोसिटी होगी। अरे दोनों मिल गया ना, सिस्टम की तरफ सोचो ना, पूरा ही तो पूरा एक वेलोसिटी से आगे जा रहा है, जिस वेलोसिटी को बोला गया है वी। बेटा वेलोसिटी पहले ज्यादा है, बाद में ज्यादा है? पहले ज्यादा है। पहले क्या है? ज्यादा है। टकराने के बाद वेलोसिटी कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, अच्छा ये केस क्या है? बिफोर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन। और यहां टकराने के बाद का केस ये दिख रहा है, ये क्या है? आफ्टर द कोलिजन। क्लियर है क्या? बहरहाल इस वक्त की काइनेटिक एनर्जी की बात करें, इस वक्त की काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ज्यादा होगी पहले, बाद में होगी कम, हाँ ना बोल बड़ा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्या बोला? लॉस इन कर भैया, एक तरफ ज्यादा एक तरफ क्या है? कम। तो ज्यादा कम है तो कुछ लॉस हुआ होगा काइनेटिक एनर्जी का, वो आपको लॉस निकालना, क्या निकालना है? लॉस, कि लॉस हुआ तो कितना हुआ, हाँ ना बोल भैया। और ये कौन सा कोलिजन है? इन इलास्टिक कोलिजन। तो पहला पॉइंट ये है, इन इलास्टिक के अंदर बड़े मोमेंटम इज कंजर्व, ये हमेशा ही कंजर्व होता है बड़े। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी, क्या बोला बड़े? काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, क्या बोला? नॉट कंजर्व, ये याद रखना। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी किससे? फाइनल से बड़े। टोटल एनर्जी हमेशा ही कंजर्व होती है, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, हाँ ना बोल भैया बड़े। तीनों पॉइंट लपेट घसीट उठापटक हलवा चीज, इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं इसको बड़े। बच्चों पर गए तो बड़े क्या है? इन इलास्टिक कोलिजन क्या है?
यानी व्हेन द टू कोलाइडिंग बॉडीज स्ट्राइक विद ईच अदर एंड मूव एज ए सिंगल बॉडी बेटा विद द कॉमन वेलोसिटी वी आफ्टर द कोलिजन. बात ये मोमेंटम इज कंजर्व बेटा पर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व. तो यही दोनों पॉइंट सॉल्व करने और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है. क्लियर है क्या फील बेटा? टोटल एनर्जी इज कंजर्व ऑलवेज कंजर्व. बड़े सारे बच्चे ऊपर देखें पहला पॉइंट क्या है बड़े मोमेंटम इज कंजर्व. ये आते हैं मोमेंटम बिफोर द कोलिजन मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन. तो ये लिखेंगे बेटा मोमेंटम बिफोर द कोलिजन बड़े इज इक्वल टू मे मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन. बड़े फील लेना बताए इस वाली बॉडी का मोमेंटम कितना होगा बड़े एम वन यू वन. बताए इस वाली बॉडी का मोमेंटम कितना है जीरो क्योंकि यू टू जीरो है रेस्ट पे बॉडी. बड़े पूरा क्या हो जाएगा जीरो. तो प्लस जीरो प्लस क्यों लगाया टोटल है. बड़े इज इक्वल टू में बताओ इस वाली बॉडी का मोमेंटम कितना बड़े टोटल मास एम वन प्लस में बड़े वेलोसिटी कितनी है वी है पूरे सिस्टम की है वेलोसिटी. बड़े यहां से वी निकालो एम वन यू वन बताओ डिवाइड में क्या आएगा एम वन प्लस में एम टू विच इज इक्वल टू वी. यहां से वी आ गया पर हमें चाहिए क्या बेटा हमें चाहिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी की बात करनी पड़ेगी पहले से लपेटो हल हुआ चीजें. बड़े अगला है काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व. क्या बोला बड़े काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है इस वाले केस में. तो वही निकालनी है एक बार बिफोर द कोलिजन एक बार आफ्टर द कोलिजन दोनों केस में काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे फिर देखेंगे लॉस क्या देखेंगे लॉस. अच्छा लॉस कैसे निकालेंगे बड़े बड़ी एनर्जी माइनस छोटी एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल नहीं होता बड़ी माइनस छोटी होती है. इस वक्त बड़ी एनर्जी कौन सी है इनिशियल वाली. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी करोगे तो आएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. तो वही फील लेना है. इस वी को बेटा यहां लिख लो बेटा वी इज इक्वल टू एम वन आए बेटा यू वन आए डिवाइड में क्या है एम वन प्लस में एम टू. बेटा नेक्स्ट पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व. क्या बोला हमने बेटा काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व नजर ऊपर. बेटा सेकंड ये काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व. बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि ज्यादा है किससे फाइनल से. बेटा फील है बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं बिफोर द कोलिजन. बताओ ये वाली बॉडी है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ बड़े एम वन यू वन का स्क्वायर. टकराने से पहले ये बॉल भी है टकराने से पहले ये बॉल भी है बोलो इसकी कितनी है जीरो. बड़े रेस्ट पे बताओ टोटल आंसर कितना आएगा हाफ बड़े एम वन यू वन का स्क्वायर. फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखते हैं बताओ बेटा कितनी होगी हाफ. बताओ कितना मास होगा बड़े एम वन प्लस में एम टू. बताओ वेलोसिटी कितनी होगी वी स्क्वायर यानी ये आ गया. और हम जानते हैं के आई इज मोर देन KF, तो लॉस कैसे आएगा बेटा लॉस इन बड़े काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल माइनस के फाइनल होगा. बड़ी एनर्जी माइनस छोटी एनर्जी बस वैल्यू डालनी और सॉल्व कर देना आंसर आ गया. क्लियर लपेट घसीट उठा पटक चीज बेटा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. क्या बोला लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. बेटा आपने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली है फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली है बस इन दोनों वैल्यू को यहां डाल देना है. क्लियर बेटा वी की बात करें वी ऑलरेडी निकाल रखा है ये रहा ये भी डाल देंगे डायग्राम हटा देते हो बेटा बस कैलकुलेशन उसके बाद आंसर आ गया. बड़े सारे बच्चे ऊपर देखें बड़े लॉस इन बड़े काइनेटिक एनर्जी ये आते हैं के आई माइनस में बड़े के एफ. बताओ के आई की बात करें हाफ है बड़े एम वन है यू वन का स्क्वायर है माइनस में बड़ा के फाइनल जो है आपको पता ही क्या है बड़ा हाफ है एम वन प्लस में बड़ा एम टू है और क्या है वी स्क्वायर है. अरे हाँ ना बोल भैया बड़ा वी की वैल्यू जो है यहाँ से डाल देंगे ये वाली और सॉल्व करना है सिर्फ. बोलो बेटा कितना आएगा हाफ है बड़ा एम वन है यू वन का स्क्वायर है माइनस में हाफ है बड़ा एम वन प्लस में क्या है एम टू है वी की वैल्यू क्या है ये बड़े पूरी वैल्यू आएगी एम वन बड़ा यू वन डिवाइड में क्या है एम वन प्लस में एम टू ऊपर क्या लिखा है स्क्वायर. तो यहाँ है स्क्वायर बड़े स्क्वायर को ओपन करो तो दोनों क्वांटिटी के ऊपर स्क्वायर इनके ऊपर भी स्क्वायर. बोलो कितना आएगा हाफ बड़े एम वन यू वन का स्क्वायर माइनस में हाफ बड़े एम वन प्लस में एम टू. उसके बाद ओपन करना है क्या करना है ओपन बड़े एम वन का स्क्वायर बड़े यू वन का स्क्वायर डिवाइड में इस पूरे पे बड़े एम वन प्लस में एम टू का स्क्वायर इससे ही कैंसिल. हाँ ना बोल भैया बड़े कितना आएगा हाफ बड़े एम याद रखना पूरे ब्रैकेट से ब्रैकेट उड़ाया है स्क्वायर लगा था. बड़े कितना आएगा यू वन का स्क्वायर माइनस ये कितना लिखा है एम वन का स्क्वायर यू वन का स्क्वायर डिवाइड में क्या है एम वन प्लस में एम टू.
बस इसे थोड़ा सॉल्व करना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। बेटा एलसीएम क्या आएगा? इसके नीचे तो वन ही है बेटा, एलसीएम आप ले ही लोगे, दोनों में दो तो आई, आप एम वन प्लस में एम टू ले लोगे, क्लियर? उसके बाद आंसर है, लपेटो इसे हलवा चीज। बेटा इसके बाद लेना है एलसीएम, क्या लेना है बेटा? एलसीएम क्या आएगा? एम वन प्लस में एम टू। इसे देखो बेटा, इस बार आंसर हो जाएगा, ठीक है पूरा। बड़े सारे बच्चे ऊपर रह गए। बड़े लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यह आता है यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा बेटा? बड़े एम वन प्लस में एम टू, फिर लेना आराम से। बड़े सीधे पूरा ही लिख सकते हो या वन बाई टू कॉमन भी लेके लिख सकते हो, हाँ ना बोल भैया? या एक काम ले लीजिए, पहले कॉमन ले लीजिए फिर ले लीजिए एलसीएम, अच्छा रहेगा। बड़े वन बाई टू कॉमन ले लिया, क्या ले लिया? कॉमन। बताओ क्या आएगा? बड़े एम वन है, बड़े यू वन का स्क्वायर, हाँ ना बोल भैया? बताए माइनस है या नहीं है? बड़े एम वन है स्क्वायर है, यू वन स्क्वायर है, डिवाइड में क्या है? एम वन प्लस में एम टू, और ये हो गया डब्बा क्लोज, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेटा नीचे लिखा है वन, बताओ एलसीएम कितना आएगा? एम वन प्लस में एम टू। बेटा यहाँ पे वन लिखा है तो यहाँ पे इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बड़े एम वन है, यू वन का स्क्वायर है, बताओ बगल में क्या है? एम वन प्लस में एम टू, माइनस में ए से कैंसिल, सीधे बोलो क्या आएगा? बेटा एम वन स्क्वायर, यू वन का स्क्वायर, डब्बा क्लोज। इसे बस सॉल्व करना है, ऊपर देखिए हाफ बड़े इससे मल्टीप्लाई कर दो पूरे फैक्टर को, इससे एक बार पूरे फैक्टर को इससे, बोलो कितना आएगा? बड़े एम वन स्क्वायर यू वन स्क्वायर, इससे करो बड़े एम वन एम टू बड़े यू वन स्क्वायर, और पीछे क्या है? माइनस में एम वन स्क्वायर और बड़े यू वन स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। बड़े डिवाइड में क्या है? एम वन प्लस में एम टू। बताओ आंसर क्या आया? बड़ा हाफ तो था ही, ऊपर क्या है? सिर्फ एम वन है, एम टू है, बड़े यू वन का स्क्वायर, डिवाइड में क्या है? बड़े टू और एम वन प्लस एम टू, ये आ गया आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यही रिजल्ट हो गया, हाँ ना बोल भैया? ये थी बेसिक चीज। तो इन इलास्टिक कोलिजन अगर वन डायमेंशन आएगा, इस प्रकार से आपको एग्जाम में करके आना है, क्लियर? अलहमदुल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत्रीकाल, पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना, अलहमदुल्लाह, सबक है बच्चों, जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्री अच्छी जानी चाहिए, पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा, धन्यवाद, सबक है, गुड नाइट बच्चों।